नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो 64 घंटे से एनडीआरएफ और ग्रामीणों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बराकर नदी से 300 मिले घाट पर भारी भीड़, प्रशासन की टीम मौजूद। जामताड़ा बराकर नदी में हुए नाव हादसे के 4 दिन बाद रविवार को 300 बरामद किया गया है। इसमें से एक की पहचान पंजनिया गाँव के विनोद मोहाली पिता जयलाल मोहाली के रूप में की गई है। वही एक महिला और बच्ची का शव भी मिला है। बताया जा रहा है कि यह दोनों माँ बेटी है। इनकी पहचान मेंजिया मोमिनपाड़ा निवासी अब्दुल अंसारी की पत्नी जुविदा और बेटी गुलफसा खातून के रूप में हुई है। अब्दुल अंसारी की लाश अब तक नहीं मिली है। गुरुवार को हुई दुर्घटना में मरने वाले लोगों की तलाश के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ तथा स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पिछले 64 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नदी के घाट पर लोगों की भारी भीड़ जमा है। जिला प्रशासन की ओर से नदी में डूबे लोगों को खोजने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लापता लोगों को ढूंढने के लिए लगभग 4 किलोमीटर जो रेडियस में मैपिंग कर अलग अलग टीमों को लगाया गया है। प्रशासन एवं पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञात हो कि बराकर नदी में बरबेंदिया बीरगांव घाट पर गुरुवार की देर शाम नाव हादसे में कई लोग के लापता हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नाव में 16 से 18 लोग सवार थे। हालांकि वास्तविक संख्या को लेकर अब तक अलग अलग दावे हो रहे हैं। इससे पहले शनिवार को नदी से एक महिला का शव बरामद किया गया था। इसके अलावा कई जो है साइकिलें पर्स व चप्पल बरामद की गई थी। बचाव कार्य में लगी टीम ने हादसे का शिकार हुई नाव को भी खोज निकाला, लेकिन अब भी जो है बहुत सारे लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे वॉलंटियर। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए अब वॉलंटियर बहाल किए जाएंगे। जब तक स्कूलों में नियमित शिक्षक नियुक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक वॉलंटियर के माध्यम से स्कूल बच्चों को पढ़ा सकेंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से स्कूल वार छात्र छात्रा और स्कूलों की संख्या के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि किस स्कूल में कितने वॉलंटियर की जरूरत है। वॉलंटियर की नियुक्ति को अलग से गाइडलाइन भी जारी की जाएगी और इसके मानक भी तय किए जाएंगे। इससे संबंधित वॉलंटियर को मिलने वाली राशि से लेकर उनकी योग्यता का प्रावधान होगा। 2022-23 के नए शैक्षणिक सत्र से इसे अपनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड में पिछले 24 घंटे में 76 संक्रमितों ने दी कोरोना को मात, 66 नए केस मिले। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। इसी बीच राहत की बात है कि संक्रमित मरीजों की संख्या 100 से भी कम हो गई है। बावजूद राज्य में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 76 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य में कोरोना के 66 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय 510 मामलों में सबसे अधिक 147 राजधानी रांची में बचे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 5, बोकारो से 8, धनबाद से 6, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 10, गढ़वा से 1, गिरिडीह से 2, कोडरमा से 3, लातेहार से 18, लोहरदगा से 2, रामगढ़ से 2, साहिबगंज से 1, सिमडेगा से 6, पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के साहिबगंज का ड्रग्स माफिया कोलकाता में गिरफ्तार। प्राइवेट कार में छिपा कर ले जा रहा था नशे का सामान, एसटीएफ के हाथों चढ़ा। झारखंड के साहिबगंज जिले के रहने वाले ड्रग्स तस्कर को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी का नाम प्राण बसाक उर्फ प्रेम है व साहिबगंज जिला के राधानगर दक्षिण बेगमगंज का रहने वाला है। आरोपी के पास से कोलकाता एसटीएफ ने 6.7 करोड़ की हीरोइन जब्त की है। पुलिस को आशंका है कि प्रेम के तार इंटरनेशनल ड्रग्स माफियाओं से जुड़े हुए हैं। इसका जड़ तक पहुंचने के लिए एजेंसियां जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार उत्तर कोलकाता एसटीएफ टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को अपने कब्जे में लिया है। इसके मोबाइल की कॉल डिटेल को खंगाला जा रहा है। पकड़े गए वाहन के दस्तावेज के जरिए अन्य जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड में नई खेल नीति की कयावत तेज। झारखंड की नई खेल नीति को लेकर कयावत तेज कर दी गई है। खेल विभाग ने विभिन्न विभागों से नई खेल नीति के ड्राफ्ट पर सुझाव मांगे हैं। सुझावों को शामिल करने के बाद नई खेल नीति पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद खेलकूद के लिए बेहतर और प्रतियोगी वातावरण बनाने के लिए नई खेल नीति लागू की जाएगी। राज्य में खेल को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनके सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित भविष्य को ध्यान में
रखते हुए नई खेल नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। दिव्यांग खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। नई खेल नीति में खिलाड़ियों को पेंशन, जिला विकास स्पोर्ट्स क्लब बनाने का प्रावधान किया जाएगा। हर पंचायत में क्लब पंचायतों में खेल को जो है प्रोत्साहित करने के लिए 25,000 रुपए आवंटित करने को लेकर भी तैयारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करो किशोरों के टीकाकरण के लिए प्रखंडों में बनेगा टास्क फोर्स। रांची जिले में किशोरों के 100% टीकाकरण के लिए प्रखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे। टास्क फोर्स सभी स्कूलों से समन्वय स्थापित कर टीकाकरण की रिपोर्ट तैयार करेगी। निजी और सरकारी दोनों स्कूलों से इसका ब्यौरा मांगा जाएगा और छूटे हुए किशोरों को जल्द टीका दिया जाएगा। प्रखंड स्तर टास्क फोर्स बनाने का निर्देश उपायुक्त छबरंजन ने दिया है। हर सोमवार को इसकी समीक्षा की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो यूक्रेन में फंसे झारखंड के स्टूडेंट, बोले आसमान से गिर रहे बम, खाने पीने का सामान भी हो रहा खत्म, परिवारों की आंखों में नींद नहीं। यूक्रेन पर रूस के हमले से देश दुनिया के साथ झारखंड भी बेचैन है। अलग अलग जिलों के सैकड़ों युवा फंसे हुए हैं। पलामू, बोकारो, जमशेदपुर से पढ़ाई करने गए स्टूडेंटों के परिवार बच्चों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। युद्ध के हालत पूछे जा रहे हैं, सुरक्षा का भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन हकीकत में सबकी आंखों से नींद गायब है। छात्र डरे डरे से हैं। बता दें कि बम गिर रहे हैं, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, वह किसी तरह अपने आप को बचाए हुए हैं। बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड अंतर्गत तेलो पूर्वी पंचायत के डॉक्टर शंकर महतो के बेटे पंकज कुमार महतो यूक्रेन की विनिताशा शहर में फंसे हुए हैं। उन्होंने अपने परिवार को बताया है कि वहां हालत बेहद खराब हो चुके हैं। पंकज कुमार के पिता ने कहा है कि बेटा साल 2019 में MBBS की पढ़ाई करने विनिताशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन गया हुआ था, वह अभी फंसा हुआ है। शंकर महतो ने कहा है कि जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि मेरे पुत्र की सुरक्षा सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करे। अगली बड़ी खबर की बात करो CBSE 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 2 मार्च से। CBSE टर्म 2 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 मार्च 2022 से शुरू होगी। इसके लिए CBSE ने सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत स्कूलों को 2 मार्च से संबंधित कक्षा की परीक्षा समाप्त होने के 10 दिन पहले तक व्यावहारिक व प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित करना आवश्यक है। CBSE ने कहा है कि 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल आयोजित करने के लिए बाहरी जो है परीक्षकों की जो नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी, जबकि 10वीं बोर्ड के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं की निगरानी स्कूल प्रशासन द्वारा की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करो गुमला में सड़क हादसा, नागफेनी जाने के दौरान अनियंत्रित हुई कार, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर। गुमला में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, दूसरा युवक घायल हो गया है, उसे इलाज के लिए रांची भेजा गया है। मरने वाले युवक की पहचान शहरी क्षेत्र के डुमरटोली निवासी 20 वर्षीय अनिकेत तिर्की के रूप में हुई है। वही घायल युवक का नाम 18 वर्षीय शशि तिर्की बताया जा रहा है। दुर्घटना शनिवार रात्रि 8:30 बजे लांजी के समीप हुई है। इसके बाद स्थानीय लोग व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार दोनों दोस्त खाना खाने के लिए अपनी कार से गुमला से नागफेनी होटल जा रहे थे। इसी क्रम में लांजी के समीप तेज रफ्तार वाहन से बचने के क्रम में युवकों की कार अनियंत्रित हो गई। कार सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में दोनों युवक घायल हो गए। दोनों को स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद अनिकेत को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी शशि तिर्की को बेहतर इलाज के रांची रेफर किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करो पंचायत चुनाव कराने को लेकर छट गए संशय के बादल, जल्द होगी तारीखों की घोषणा। पंचायत चुनाव कराने की राज्य कैबिनेट की प्रतिबद्धता के बाद अब पंचायती राज विभाग भी इससे लेकर रेस हो गया है। पंचायती राज विभाग ने चुनाव के बाबत राज्य निर्वाचन आयोग से संशोधित कार्यक्रम मांगा है। पंचायती राज विभाग की निदेशक राजश्री बी ने इस संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को पत्र लिखा है। राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि पूर्व में आयोग द्वारा प्रेषित कार्यक्रम पर सरकार द्वारा विचार किया गया है। मार्च में क्षेत्रीय कर्मियों की अन्य कार्यों में अत्यधिक व्यवस्था होने के मद्देनजर चुनाव का कार्यक्रम 31 मार्च के बाद तय करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 मतदान के लिए संशोधित कार्यक्रम एवं अनुशंसा उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। स्पष्ट है कि सरकार की मंशा मार्च के बाद चुनाव कराने की है, संभावना अप्रैल व मई की ही जताई जा रही है। पंचायती राज विभाग के राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे गए पत्र के बाद आयोग जो मतदान की तारीखों को लेकर विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करो फार्मासिस्ट एसोसिएशन झारखंड फार्मेसी काउंसिल में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन से जुड़े फार्मासिस्ट ने 28 फरवरी को एक दिवसीय धरना देंगे। भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव अमित कुमार ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में भ्रष्टाचार
विचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में काउंसिल को पत्र भी सौंप चुके हैं, बावजूद काउंसिल का रवैया नहीं बदल रहा है। फार्मासिस्टों ने मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, क्योंकि यहाँ बैठे पदाधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अमित कुमार ने कहा है कि संघ की 5 सूत्री मांगों में रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल को बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणाली के तहत करने, राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के तहत फार्मेसी कॉलेजों में नामांकन लिए जाने, फार्मेसी काउंसिल की सभी बैठकों में एसोसिएशन के 2 सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 को जल्द से जल्द लागू किए जाने और रजिस्ट्रेशन के पूर्व एग्जिट परीक्षा लागू किया जाना शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात, दोपलाम में युवक की मौत, रखवाली करने गया था खेत, घायल अवस्था में मिला, अस्पताल पहुंचाने के बजाय ऑटो चालक ने सड़क किनारे फेंका। पलामू में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। मामला जिले के उंटारी रोड थाना क्षेत्र जहमलवरिया गांव का है। मरने वाले की पहचान डालाकला गांव निवासी छवि पासवान के बेटे सूरज कुमार पासवान 17 वर्षीय के रूप में हुई है। शनिवार की रात युवक अपने खेत में नीलगाय से फसल की रखवाली करने गया था। कुछ समय बाद युवक खून से लथपथ झाड़ियों में मिला। स्थानीय लोगों ने युवक को घटनास्थल के पास खड़ी एक ऑटो में रखकर इलाज के लिए विश्रामपुर भेजा। ऑटो चालक युवक को अस्पताल पहुंचाने की बजाय सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।